इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म लैटिन लवर के बारे में, जो कहानी है चार औरतों की जो अपने पिता की मौत के 10 साल बाद उनकी सफलताओं को मनाने के लिए एक साथ जुड़ी, पर इस रियूनियन की वजह से उस परिवार के कुछ राज बाहर आने लगे। सवेरियो क्रिस्पो एक मशहूर एक्टर हुआ करता था और अपने करियर में उसने बहुत इज्जत कमाई है। उसने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी और रीटा नाम की एक एक्ट्रेस से शादी कर ली। सवेरियो ने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर ये साबित किया कि वो एक जीनियस है और देखते ही देखते इटालियन फिल्मों के साथ साथ वो फ्रेंच फिल्मों का भी सुपरस्टार बन गया। सवेरियो की चार बेटियां हैं, जिनमें से एक है स्टेफनी और दूसरी है सोलवेज, जो सालों बाद एक दूसरे को देख रही थी। वो दोनों पिछली बार अपने पिता के फ्यूनरल पर मिली थी और आज 10 साल बाद अपने पुराने घर लौट कर आई है। मार्को नाम का एक रिपोर्टर उन्हें घर ले जाने लगा और उसने बताया कि वो सवेरियो का बहुत बड़ा फैन है और उसकी जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहता है। सवेरियो की सबसे बड़ी बेटी सुजाना अपने बचपन के दिन याद कर रही थी, जब वो अपने पिता के फिल्म क्रू का हिस्सा थी। सवेरियो ने अलग अलग औरतों से शादी करके चार बेटियों को जन्म दिया था, पर सुजाना इस चीज के लिए अपने पिता से नाराज नहीं है। सवेरियो की तीसरी बेटी सेगुंदा उस घर में पहुंच गई और अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई थी। एक दूसरे की सौतन होने के बावजूद रीटा और रमोना नाम की दोनों औरतें एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थी और इन उलझे हुए रिश्तों में कोई गिले शिकवे नहीं थे। वो दोनों सिर्फ सवेरियो की अमेरिकन पत्नी से नफरत करती है और रमोना का कहना है कि अगर वो औरत उस घर में आई तो रमोना वहाँ से निकल जाएगी। कुछ देर बाद रीटा और रमोना तस्वीरें देखकर अपने पुराने दिन याद करने लगे। वो स्टेफनी की फ्रेंच माँ के बारे में भी बातें करने लगे, जिससे रीटा उतनी ही नफरत करती है जितना रमोना सवेरियो की अमेरिकन पत्नी से। बातें करते हुए रमोना को पता चला कि जो कमरा उसे मिला है, सवेरियो की मौत उसी कमरे में हुई थी। दो बच्चों की माँ होने के बाद भी सेगुंदा अब भी एक बच्चे की तरह थी, क्योंकि वो उम्र में सुजाना और स्टेफनी से छोटी थी और वो सिर्फ अपने पति अल्फोंसो को अपने बचपन के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। घर पहुँचते ही स्टेफनी भी अपने बेटे को उस घर की यादों के बारे में बताने लगी और वो उस परिवार का सामना करने की तैयारी करने लगी जो उससे और उसकी माँ से नफरत करता है, और नफरत का कारण सिर्फ ये है कि सवेरियो ने उसकी माँ के लिए रीटा को छोड़ा था। स्टेफनी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाने लगा। मार्को उस घर में उस परिवार के बारे में और ज्यादा चीजें जानने आया था, पर रमोना का कहना था कि उस परिवार में कोई भी राज नहीं बचा, क्योंकि पूरी दुनिया चार पत्नियों और उनके बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है। कुछ देर बाद सुजाना अपने घर की ओर बढ़ी, पर वो डरी हुई थी क्योंकि ना तो वो उस परिवार का सामना करना चाहती थी और ना ही अपने पिता की गलतियों के बारे में सोचना चाहती थी। एक तरफ तीन बहनें घर की नौकरानी के साथ काम कर रही थी तो दूसरी तरफ सोलवेज अल्फोंसो के साथ वाइन खरीदने का काम कर रही थी, और सेगुंदा ये नहीं जानती थी कि उसका पति सोलवेज के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ सुजाना को संभालने की कोशिश कर रही थी, जिसे ये लगता है कि उसके पिता अब भी इस घर में मौजूद है। सुजाना इस बात को लेकर भी परेशान थी कि रीटा उसके बॉयफ्रेंड वॉल्टर को पसंद नहीं करती। पूरा परिवार एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बातें कर रहा था और इस बीच अल्फोंसो घर में मौजूद हर औरत के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे सेगुंदा को ये बात समझ भी आने लगी, पर इस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। सवेरियो अलग अलग शादियां करके किसी सुल्तान की जिंदगी जी रहा था और अल्फोंसो भी वैसी जिंदगी जीने के सपने देखने लगा था। मार्को सवेरियो के मुंह बोले भाई पीछी से पूछताछ करने लगा, पर उसका भी कहना था कि सवेरियो के बारे में सब कुछ न्यूज और किताबों में लिख दिया गया है। सवेरियो की जिंदगी एक खुली किताब है, पर आज तक कोई भी शैली के बारे में नहीं जानता जो सवेरियो और एक अमेरिकन औरत की बेटी है। पिची ने बताया कि हॉलीवुड में काम करते हुए सवेरियो के कई अफेयर्स हुए थे और उनमें से एक अफेयर का रिजल्ट शैली है। सवेरियो पैसों की मदद में कभी पीछे नहीं हटा, पर उसने कभी अपनी उस अमेरिकन बेटी को अपनाया नहीं और वो कभी उससे मिला तक नहीं। उस रात चारों बहनें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगी और अपने पिता को याद करने लगी। अगले दिन सवेरियो की 10वीं सालगिरह मनाने के लिए इलाके के हर एक इंसान को इकट्ठा किया गया। और स्टेफनी अपने आप को आगे रखने की कोशिश करने लगी। सुजाना का बॉयफ्रेंड वॉल्टर भी वहाँ मौजूद था, इसलिए सुजाना की घबराहट बढ़ने लगी। इस बीच पूरा परिवार अलग अलग चीजों में गुम था और फिर पेड्रो नाम के एक अनजान आदमी को देखकर रमोना और रीटा डर गई। उस दिन सोलवेज को वो सम्मान दिया गया जो सम्मान स्टेफनी को मिलना चाहिए था, और सारी लाइमलाइट सोलवेज को मिल गई। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच पेड्रो फिर से उनके सामने आया। एक बार के लिए डरने के बाद रीटा और रमोना का ध्यान अपनी बेटियों पर चला गया, जिन्हें वो दुनिया के सामने प्रमोट करना चाहती थी। स्टेफनी के अलावा हर एक को बोलने का मौका मिला, इसलिए मार्को ने स्टेफनी और उसकी माँ के बारे में सवाल पूछना शुरू किया।
अचानक पेड्रो सबके सामने आया और जैसे ही उसने कुछ बोलने की कोशिश की उसकी बात काट दी गई। पेड्रो सवेरियो का बॉडी डबल हुआ करता था और वो उस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था, पर रीटा ने उसे घर में आने से रोक दिया क्योंकि रमोना उससे दूर रहना चाहती थी। दूसरी ओर स्टेफनी अपनी बहनों से नाराजगी जता रही थी क्योंकि उसे जानबूझकर साइडलाइन कर दिया गया था। मार्को समझ गया कि पेड्रो कुछ जानता है, इसलिए वो उसे सारे राज उगलवाने की कोशिश में लग गया, पर पेड्रो ने रीटा से वादा किया था कि वो अपना मुंह बंद रखेगा। वॉल्टर ने भी सुजाना के कहने पर उसे मार्को से दूर कर दिया। अचानक मार्को ने स्टेफनी को रोते हुए देखा और स्टेफनी ने बताया कि उसे एहसास हुआ है कि उसके पिता हमेशा से उसे सिर्फ एक गलती मानते थे, इसलिए आज तक उसे उनकी दूसरी बेटी होने का दर्जा नहीं मिला है। कुछ देर बाद वॉल्टर, पेड्रो और मार्को तीनों को पता चल गया कि सोलवेज और अल्फोंसो का अफेयर चल रहा है। वो तीनों मार्को को सबूत लेने से रोकने की कोशिश करने लगे और इस कोशिश में पेड्रो अपने आप को किसी वेस्टर्न फिल्म का हीरो समझने लगा। मार्को से उसका कैमरा छीनने में वो कामयाब हुआ और अल्फोंसो बेफिक्र हो गया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके इस अफेयर का सच स्टेफनी के सामने भी आ गया है। उस घर की नौकरानी ने रीटा और रमोना को बताया कि उसकी माँ सालों से इसी घर में काम कर रही है और वो सवेरियों की पसंद नापसंद अच्छी तरह से जानती है। उसकी बातें सुनकर उन दोनों को पता चला कि उस लड़की का नाम सवेरिया है। सवेरिया अपने पिता से कभी नहीं मिली है, जिसका मतलब ये है कि वो भी सवेरियो की एक बेटी है। एक और राज बाहर आया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सुजाना को रमोना की बातें सुनकर और मार्को को एक पुरानी न्यूज पढ़कर पता चला कि सवेरियो असल में एक गे था जिसका पेड्रो के साथ अफेयर था, और उस न्यूज को झुठलाने के लिए सवेरियो ने रमोना से शादी की थी। सवेरियो और पेड्रो का ये सच वॉल्टर भी जानता था, और जब सुजाना को पता चला कि वो पेड्रो के साथ है तो उसे लगा कि वॉल्टर भी गे है। कुछ देर बाद बहस करते हुए गलती से स्टेफनी ने सगुंदा को बता दिया कि उसके पति का सोलवेज के साथ अफेयर चल रहा है, और ये सच जल्द ही सबके सामने आ गया। सच जानकर रीटा कहने लगी कि अल्फोंसो बिल्कुल उसके पति जैसा है। वो इस बात के लिए स्टेफनी को दोष देने लगी और तब सुजाना ये तमाशा सह नहीं पाई। वो इस बात से खुश नहीं थी कि हर कोई एक दूसरे को गिराने की कोशिश में लगा है, और इन बातों के बीच रमोना का भी एक राज सबके सामने आ गया। रमोना ने ये बात भी सबके सामने कह दी कि वो हमेशा से सवेरियो के गे होने का सच जानती थी। सेगुंदा इस अजीब से परिवार से दूर रहना चाहती थी, पर जैसे ही वो इस पागलपन से दूर भागने लगी उसने गलती से अल्फोंसो को चोट पहुंचा दी और उसे घर में रुकना पड़ गया। इस पागलपन के बीच सारी बहनों के गिले शिकवे मिट गए और पहली बार रीटा और रमोना ने उन सबको एक परिवार होने का एहसास दिलाया। कई घंटों तक वो पूरा परिवार एक दूसरे से बातें करने लगा, और फिर शराब के नशे में रीटा ने अपने उस अफेयर के बारे में बताया जो उसके और सवेरियो की शादी के पहले हुआ था। उसकी कहानी सुनकर सुजाना को पता चला कि वो सवेरियो की नहीं किसी और की बेटी है, पर ये सच जानकर बाकी सारी बहनें हंसने लगी। कुछ देर बाद उन्हें उस प्रोजेक्शन में जाना पड़ा जो उन्होंने सवेरियो के सम्मान में रखा था। रीटा, रमोना और उनकी बेटियां शराब के नशे में वहां पहुंची और उन्होंने पेड्रो को एक स्पीच देते हुए देखा। जल्द ही प्रोजेक्शन शुरू हुआ और हर कोई सवेरियो को अपने सामने देखकर उसकी यादों में खो गया। पेड्रो ने कहा कि सवेरियो को जश्न मनाना पसंद नहीं था, पर अगर आज वो यहाँ होता तो अपने परिवार को देखकर यही सोचता कि उसने उनके साथ ठीक से वक्त नहीं बिताया। प्रोजेक्शन के बाद मार्को ने बताया कि उसे कई राज पता चले हैं, पर वो उनके बारे में अपनी किताब में नहीं लिखेगा क्योंकि वो सवेरियो और उसके परिवार की इज्जत दुनिया में उछालना नहीं चाहता। पेड्रो को भी आखिरकार उस परिवार में जगह मिल गई और वो खुशी खुशी घर के बच्चों के साथ वक्त बिताने लगा। सेगुंदा ने हमेशा के लिए अपनी शादी तोड़ दी और सुजाना ने बिना किसी डर के अपनी माँ को बता दिया कि वो वॉल्टर से शादी कर रही है। खुशी खुशी वो सारे लोग सो गए, पर अगली सुबह उन सबको पता चला कि शैली उस घर में आ पहुंची है। रमोना के अलावा सब शैली को देखकर खुश हुए। शैली को कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला था, पर आज रीटा ने उसे बताया कि अपने आखिरी दिनों में सवेरियो को सिर्फ इस बात का पछतावा था कि वो शैली से कभी मिला नहीं। तब शैली ने बताया कि वो एक बार सवेरियो से मिल चुकी है, और ये सुनकर हर कोई हैरान हो गया। उसने बताया कि वो सवेरियो को अपना सच बताने ही वाली थी, पर जब वो उससे मिली तो सवेरियो उसे पहचान नहीं पाया और उसने शैली के साथ एक अफेयर शुरू करने की कोशिश की। ये बात सुनकर हर कोई हंसने लगा क्योंकि सवेरियो अंत तक अपनी आदतें बदल नहीं पाया। अंत में सारी बहनों के घर लौटने का वक्त आ गया और शैली उसी घर में रहकर अपने पिता के बारे में और जानने लगी। वो घर जहाँ राज सिर्फ रिश्तों को उलझा रहे थे, आज उसी घर में उन राज की वजह से सारे रिश्ते सुलझ भी गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।